बिस्मिल्लाकम डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल बी फाइन एंड कम्पलीटेड यूर प्रीवियस होम वर्क सो गो टू दे टॉपिक नाउ टू डे अवर टॉपिक इज मेकिंग लॉजिकल एंड बींग स्ट्रेटेजिक मेंटल कैलकुलशन एंड वर्ड प्रॉब्लम एंड पेज नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर का हाफ पेज करना है एंड अवर लेक्चर नंबर इज ट्वेल्व सो लेट स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ वैल्यू ऑफ ईच शेप हमने शेप्स की वैल्यू फाइंड करनी है चले देखते हैं कैसे फाइंड करनी है यहाँ पर आपको डिफरेंट शेप दिखाई दे रही होंगी सर्कल हैक्सागोन एंड स्क्र और बीच में आइस भी बनी हुई है तो आप लोगों को यहाँ पर शेप्स की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर आपने ये वैल्यूज पुट करनी है और जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉलम और रोज के एंड में आपको वैल्यूज गिवन है मींस आपने फिर इनको वैल्यूज को पुट करने के बाद इनको प्लस करना है और प्लस करके आप देख लें आपके पास ये जो एंड में आंसर दिया हुआ है यही आपके पास टोटल आंसर आएगा और हमने ये वैल्यूज कहाँ से ली ये आपके पास नीचे नंबर्स गिवन है हमने यहां से वैल्यूज ली और आपने ये वैल्यूज को पुट करना है शेप्स के अंदर फर्स्ट आपको दिया हुआ है स्क्वेयर की वैल्यू सिक्स दी हुई है तो जहां पर भी आपको सिक्स दिखाई स्क्वेयर दिखाई दे रहा है आपने पुट करना है सिक्स यहां पर भी सिक्स यहां पर भी सिक्स यहां पर भी यहां पर भी एंड यहां पर भी ठीक है फिर आपने हेक्सागोन इस शेप को कहते हैं आपने हेक्सागोन की वैल्यू है ट्वेल्व आपने ट्वेल्व पुट करना है जहां पर भी आपको हेक्सागोन दिखाई दे रहा है यहां पर भी है यहां पर भी ट्वेल्व बस दो ही है ठीक है इसी तरह आप लोगों ने सर्कल में ट्वेंटी वन फुट करना है और फिर आप लोग अपना आंसर चेक करने के लिए कि ये वैल्यूज हमने जो ली हैं ये ठीक है या नहीं तो आप लोगों ने इनको प्लस करके चेक कर सकते हैं प्लस करेंगे तो आपके पास जैसे ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन सिक्स एंड सिक्स इन चार वैल्यूज को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर जरूर फिफ्टी फोर आएगा ठीक है यहाँ पर रोस और कॉलम्स के एंड में आंसर भी दिए गए हैं आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन नंबर टू में यहां पर आपके पास स्क्यर की वैल्यू है इलेवन जो हमने यहां से ली है इलेवन हेक्सागोन की वैल्यू है नाइन जो हमने यहां से ली है और सर्कल की वैल्यू है हमारे पास टेन ये तीनों वैल्यूज गिवन है आपने यहाँ पर स्क्वेयर की वैल्यूज पुट करनी है स्क्वेयर जहां पर आपको दिखाई दे रहा है जहां पर हेक्सागोन है वहां पर आपने नाइन पुट करना है और जहां पर सर्कल है आपने वहां पर टेन पुट करना है ठीक है जब आप पुट कर लें तो आप लोगों ने इनको प्लस करना है और चेक करना है कि यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज बिल्कुल ठीक है या नहीं जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास यही नंबर दोबारा से आएंगे ठीक है प्लस करने से आपके पास यही नंबर आएंगे तो मीन्स आपकी वैल्यूज बिल्कुल ठीक है और फिर आपने लास्ट में क्या करना है फोर्टी वन और फोर्टी को दोबारा से प्लस करना है और यहाँ पर लिख देना है आंसर आप रो को प्लस करें या कॉलम को प्लस करें आंसर आपके पास सेम ही आएगा ठीक है तो आप लोगों ने इसको भी प्लस करके यहाँ पर आंसर लिखना है इसी तरह आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं चले देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यहाँ पर आपको जस्ट वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू नाइनटीन है ये क्वेश्चन नंबर थ्री है और हेक्सागोन की वैल्यू है ट्वेल्व और सर्कल की वैल्यू है सिक्स ठीक है यहाँ पर ये वैल्यूज दी गई हैं आपने यहाँ पर पुट करनी और प्लस करके चेक करना है आपका आंसर ठीक है या नहीं इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर की भी वैल्यूज गिवन है फाइव एंड सिक्स सबकी वैल्यूज आपको बताई गई हैं यहाँ नीचे से ही हमने एंड में जो नंबर दिए गए हैं यहां से सिलेक्ट की है आपने शेप्स के अंदर पुट करनी है वैल्यूज और फिर आपने ऐड करना है इनको ऐड करके चेक करें कि आपके पास रोज और कॉलम्स के एंड में जो आंसर दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज हैं या नहीं है फिर लास्ट में आप लोगों ने इन ये जो लास्ट में रो और कॉलम दिए गए हैं इनको भी प्लस करना है और इस बॉक्स को भी फिल करना है ठीक है तो पेज नंबर ट्वेंटी को आपने ऐसे सॉल्व करना है नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर ट्वेंटी वन लॉजिकल एडिशन मैच ट्रेन इसमें आपसे वो कह रहे हैं यूजिंग द एडिशन ऑपरेशन ओनली फाइंड द ट्रेल ऑफ नंबर स्टार्ट विदार्ट पोजिशन एंड एंड नंबर इन द हाईलाइटेड मूव वर्टिकली एंड एंडली सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन शो हो रहा है यहां पर आपने एडिशन का पैटर्न यूज करना है और आप लोगों ने स्टार्ट के ऑप्शन से स्टार्ट करना है आपने मूव करना है आप ऊपर जाए हॉरिजेंटली जाए वर्टिकली जाए किसी भी तरफ आप जा सकते हैं लेकिन आप लोगों ने इस तरह डायग्नल की फॉर्म में तिरछा नहीं जाना आप स्ट्रेट जा सकते हैं मीन्स वर्टिकली हॉरिजेंटली जा सकते हैं मतलब आप किसी तरह भी मूव कर सकते हैं लेकिन आप लोगों ने इस बॉक्स में जो आंसर दिया हुआ है आपने आंसर यही लाना है ठीक है आप नाइन में सिक्स प्लस करें सिक्स में वन प्लस करें वन में नाइनटीन प्लस करें फिर सेवन प्लस करें इन सबको आप चारों पांचों नंबर को आप प्लस करेंगे तो आपके पास फोर्टी टू ही आंसर आएगा तो आप लोगों ने भी मूव करना है फ्रीली मूव कर सकते हैं वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी किसी भी तरफ आप मूव कर सकते हैं लेकिन आपने रूल ये है कि आपने स्टार्ट जहां पे लिखा हो वहीं से स्टार्ट करना है और एंड आपने यहाँ पे करना है जहां पर बॉक्स बना हुआ है और यही नंबर आंसर में आपके पास आना चाहिए आपने उन सारे नंबर्स को जहां भी आप मूव करेंगे उन नंबर्स को आपने ऐड करना है और आप देखेंगे कि आपके पास आंसर आ रहा है फोर्टी टू या नहीं चले नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर पेज नंबर ट्वेंटी वन का क्वेश्चन नंबर ए है अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू को हम सॉल्व करेंगे स्टार्ट आपने थर्टीन से करना है हमने जब इसको प्लस किया थर्टीन में थर्टीन प्लस किया ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स में आप सिक्स प्लस करें फिर सिक्स में ट्वेल्व सेवेंटीन एंड टू इसी तरह हम मूव करेंगे थर्टीन से थर्टीन की तरफ फिर ट्वेल्व फिर सेवनटीन एंड टू आप इनको ऐड करके चेक कर सकते हैं आपके पास आंसर आएगा सिक्सटी थ्री ठीक है आप हर तरफ ऊपर की तरफ से भी मूव कर सकते हैं वहां से आंसर नहीं आ रहा आप हर तरफ मूव करके चेक कर लें जहां से आपका आंसर ठीक आ रहा है आपने वहीं से जाना है लेकिन आंसर आपने किसी तरह भी सिक्सटी थ्री लेकर आना है ठीक है इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री में है आपके पास आपने स्टार्ट करना है नाइनटीन से नाइनटीन में आप सिक्सटीन प्लस करें फिर आप सिक्सटीन में टेन प्लस करें टेन में फिर आपने नाइनटीन प्लस करना है नाइनटीन में फिर आप सेवन प्लस करें और सेवन में आपने फोर प्लस करें इन सबको जब आप प्लस कर लें तो आपका आंसर आना चाहिए सेवनटी फाइव ठीक है इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन फोर और फाइव को भी एड uh, करना है स्टार्ट के बटन मींस यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और आप फ्रीली मूव कर सकते हैं वर्टिकली और लेकिन आपने आंसर लाना है फिफ्टी नाइन और यहाँ पर आपने ट्वेंटी फाइव से स्टार्ट करना है और वन नाइन्टी थ्री आंसर लाना है और ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं क्वेश्चन सॉल्व ठीक है और पेज नंबर ट्वेंटी वन के थ्री क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व था टू क्वेश्चन मैंने करवाए और बाकी के जो टू क्वेश्चन है आप लोगों ने खुद सॉल्व करने ठीक है एडिशन का पैटर्न यूज करना है और इसको सॉल्व करना है चले देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है पेज नंबर ट्वेंटी वन बींग लॉजिकल अब यहां पर वो आपसे कह रहे हैं फिलिंदी फॉलोइंग एडिशन मैथ बॉक्स ये जो एडिशन का मैथ बॉक्स दिया गया है आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये आपके पास मिसिंग नंबर है आपने इसको कैसे सॉल्व करना है ट्वेंटी में आप फिफ्टीन को प्लस करें फिफ्टीन में आप टेन को प्लस करें फिर टेन को प्लस करें फिर फाइव को फिर वन को इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सिक्सटी वन जब आपके पास सिक्सटी वन आंसर आएगा तो आपने लाना आंसर है सिक्सटी सिक्स सिक्सटी वन और सिक्सटी सिक्स में फाइव नंबर्स का गैप है मीन्स अगर हम इस मिसिंग नंबर इस मिसिंग बॉक्स में अगर हम फाइव लिख दें तो इस कॉलम को प्लस करने से हमारे पास सिक्सटी सिक्स आंसर आ जाएगा तो इसी तरह हमने यहाँ पर फाइव कुट किया हमारा आंसर आ गया सिक्सटी सिक्स इसी तरह यहाँ पर भी एक नंबर मिसिंग है इसको भी आपने ऐसे ही एड करना है इन सारे नंबर्स को आप सेवेंटी नाइन तक पहुंचना है इन सब नंबर्स को प्लस करने से आपके पास आ रहा था सिक्सटी नाइन तो हमने टेन प्लस किया तो आंसर आ गया सेवेंटी नाइन इसी तरह हमने यहां पर भी नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा था सिक्सटी टू आ रहा था तो हमने फाइव ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया सिक्सटी एट ठीक है सिक्सटी थ्री आंसर आ रहा था इन सब को ऐड करने से तो हमारे पास अब आंसर आ रहा है फाइव ऐड किया तो सिक्सटी एट इसी तरह आप लोगों ने ये जो थ्री मिसिंग नंबर है इनको भी सॉल्व करना है एडिशन के पैटर्न से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थीके? इन नंबर्स को प्लस करके यहां पर एक मिसिंग नंबर है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं एडिशन ठीक है addition, सिर्फ एडिशन आपने करनी है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आपके पास क्या है पेज नंबर ट्वेंटी वन बींग लॉजिकल क्वेश्चन सी है राइट द नंबर ऑन द एडिशन वॉल यहां पर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन एडिशन आपने अप्लाई करनी है एक वॉल टाइप आपको शेप गिवन है आपने इस पर भी एडिशन का पैटर्न अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताती हूं अब टू और आपने थर्टीन को प्लस करना है और इसको आपके पास प्लस करने से आंसर आएगा फिफ्टीन ठीक है इन दोनों को प्लस करने से आपके पास आंसर आएगा फिफ्टीन जो आपने ऊपर लिख देना है इसी तरह इन दोनों नंबर्स को प्लस करने से जो भी आंसर आएगा थर्टीन में आप सिक्स प्लस करें इससे नाइनटीन आंसर आएगा तो आपने ऊपर वाले बॉक्स में लिख देना है इसी तरह जब आप सिक्स एंड इलेवन को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सेवनटीन तो आपने ऊपर लिख देना है इसी तरह जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा थर्टी फोर जो आपने यहां पर लिख दिया इसी तरह आप लोगों ने नाइनटीन और सेवनटीन को प्लस करेंगे इससे आपके पास थर्टी सिक्स आंसर आएगा वो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है ठीक है और फिर इन दोनों को प्लस करने से आपके पास आंसर आएगा सेवनटी जो आपने ऊपर लिख देना है ठीक है इसी तरह आप लोगों ने एडिशन का पैटर्न यहां पर भी फॉलो करना है और इस ये जो एडिशन की वॉल दी गई आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू और थ्री को आपने इसी मेथड से सॉल्व करना ठीक है एडिशन के मेथड से चले देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है पेज नंबर ट्वेंटी टू बींग सिस्टमेटिक रीबिल्डिंग द पैरामिड पैरामिड को आपने बिल्ड करना है एड एडजशन नंबर टूगेदर राइट देयर सम इन द ब्लॉक अबव देम कंटिन्यू एडिंग एंटिल यू रीच द टॉप ब्लॉक यूज यूर स्किल्स टू फिल द मिसिंग नंबर मिसिंग नंबर को आपने फिल करना है और यही मेथड आपने फॉलो करना है यहाँ पर आपके पास फुल रो दी हुई है आप लोगों ने इसको फिल करना है मीन्स आप थ्री में एट प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इलेवन आपने ऊपर लिख देना है इसी तरह आप लोगों ने एट और नाइन को प्लस करना है सेवनटीन आ जाएगा वो भी आपने ऊपर लिख देना है इसी तरह आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो सिक्सटीन आएगा वो आपने ऊपर वाले ब्लॉक में लिख देना है सेवन और सिक्स को आपने प्लस करना है और वो भी आपने ऊपर वाले ब्लॉक में लिख देना है ठीक है इसी तरह आप लोगों ने इन दोनों इलेवन और सेवेंटीन को प्लस करके दो ब्लॉक्स को प्लस करेंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक में आपने लिख देना है ट्वेंटी एट आंसर आ जाएगा इसी तरह आपने सेवनटीन और सिक्सटीन को प्लस करना है और ऊपर वाले ब्लॉक में आंसर लिख देना है थर्टी थ्री इसी तरह आप लोगों ने सिक्सटीन और थर्टीन को प्लस करना है और आंसर आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी नाइन जो आपने ऊपर वाले ब्लॉक में लिख देना है ठीक है इसी तरह इन दो ब्लॉक्स को आप प्लस करेंगे ट्वेंटी एट और थर्टी थ्री को इनको प्लस करने से आपके पास आंसर आ जाएगा सिक्सटी वन आपने ऊपर वाले ब्लॉक में लिख देना है इसी तरह आपने थर्टी थ्री और ट्वेंटी नाइन को प्लस करना है इनको प्लस करने से आपके पास आंसर आएगा सिक्सटी टू ऊपर वाले ब्लॉक में आपने आंसर लिख दिया फिर आप लोगों ने सिक्सटी वन और सिक्सटी टू को प्लस करना है और ऊपर वाले ब्लॉक में आंसर लिख देना है वन ट्वेंटी थ्री इसी तरह आप लोगों ने इस पैरामिट को सॉल्व करना है यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉग्स दिए गए हैं और आपने इसको एड करना है और सॉल्व करना है ठीक है एडिशन का पैटर्न सोल्व करना है फॉलो करना है और आप लोगों ने इसको सोल्व करना है ठीक है कोई मुश्किल काम नहीं है आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है आप लोगों ने बाकी के पैरामेट भी इसी तरीके से आपने सोल्व करने है ठीक है एडिशन का पैटर्न फॉलो करना है और इसको सोल्व करना है नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर ट्वेंटी थ्री मेंटल कैलकुलेशन एडिशन फॉलो एरोज टू कंप्लीट द एडिशन मशरूम एरोज को फॉलो करना है और आपने इन मशरूम्स जो दिए गए हैं इनको फिल करना है कैसे करना है अब ये भी सेम उसी तरीके से करना है फिफ्टी टू और ट्वेंटी एट को आपने प्लस करना है और आंसर आपके पास ऊपर वाला सर्कल होगा ठीक है फिफ्टी टू और ट्वेंटी एट को प्लस किया तो उसको प्लस करने से हमारे पास आंसर आ रहा है एटी हमने ऊपर लिख दिया इसी तरह आपने ट्वेंटी एट और नाइन्टी वन को प्लस करना है और इसको प्लस करने से आंसर आ रहा है वन हंड्रेड नाइनटीन जो ऊपर लिखा हुआ है इसी तरह आप लोगों ने एटी और वन नाइनटीन को प्लस करना है और इनको प्लस करने से आंसर आ रहा है वन नाइनटी नाइन इसी तरह आप लोगों ने इस मशरूम को फिल कर दिया अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है आपने क्या करना है एटीन और थर्टी थ्री को प्लस करना है जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा फिफ्टी वन जो आपने ऊपर वाले सर्कल में लिख देना है इसी तरह थर्टी थ्री और फिफ्टी सिक्स को आपने प्लस करना है इनको प्लस करने से आपके पास आंसर आएगा एटी नाइन तो एटी नाइन हमने ऊपर लिख दिया ठीक है इसी तरह आपने फिफ्टी वन और एटी नाइन दोनों को प्लस करना है और इनको प्लस करने से आपके पास आंसर आ जाएगा वन फोर्टी तो आपने इसको सॉल्व करना है इसी तरह एडिशन का पैटर्न फॉलो करना है जैसे आप पीछे करते आ रहे हैं तो आप लोगों ने इन मशरूम्स को फिल करना है ठीक है इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या है एडिशन यहाँ पर टू क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया हुए बाकी के टू क्वेश्चन भी आप लोगों ने इसी मेथड से सॉल्व करने हैं आपने एडिशन का पैटर्न फॉलो करना है और इस इन क्वेश्चन को इन मशरूम्स को आपने फिल करना है ठीक है नेक्स्ट आपके पास दिए गए हैं पेज नंबर ट्वेंटी फोर पर वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम है हमारे पास देर आर टू एटी फोर आयात इन सूर बकरा एंड वन सेवेंटी एट वन सेवेंटी सिक्स आयात इन सूर नि वट इज द टोटल नंबर ऑफ आयात इन टू सूरा आपने बताना है सॉल्यूशन लिखना है आयात इंसूर बकरा टू एटी फोर है आयात इन वन सेवेंटी सिक्स हमने टोटल आयात बतानी है तो हमने इनको प्लस करना है जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आयात आ जाएंगी फोर सिक्सटी इसी तरह आपके पास है क्वेश्चन नंबर टू इसमें आपसे पूछा जा रहा है इन एन इस्लामियात बुक देयर आर आर टू फोर्टी फाइव पेजेस एंड इन उर्दू बुक देयर आर आर थ्री सेवेंटी एट पेजेस उर्दू की बुक में टू फोर्टी फाइव पेजेस हैं और इस्लाम उर्दू की बुक में थ्री सेवेंटी एट पेजेस हैं और इस्लामियात की बुक में टू फोर्टी फाइव पेजेस हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द टू बुक्स आप टू बुक्स में टोटल जितने पेजेस हैं आप लोगों ने बताने ठीक है सोल्यूशन पेजेस इन इस्लामियात बुक टू फोर्टी फाइव पेजेस इन उर्दू बुक थ्री सेवेंटी एट आपने इनको प्लस करना है तो आपके पास आ जाएंगे टोटल बुक्स टोटल पेजेस यहाँ पर इस्लामियात बुक है यहाँ पर उर्दू बुक है तो यहाँ पर आपने लिखना है टोटल पेजेस ठीक है आप खुद इस सेट कर लें, इसको टोटल पेजेस ठीक है यहाँ पर आपने एडिशन करेंगे तो आपके पास टोटल पेजेस आ जाएंगे सिक्स ट्वेंटी थ्री ठीक है इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री है इफ देयर आर फोर हंड्रेड गर्ल्स इन अ ब्रांच ऑफ एन अकेडमी एंड थ्री सेवेंटी फाइव बॉयज इन एन अदर ब्रांच वट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दर टू ब्रांचेस ऑफ एकेडमी अकेडमी में गर्ल्स की अलग ब्रांच है और बॉयज की अलग ब्रांच है गर्ल्स जो हैं वो फोर हंड्रेड है एंड बॉयज थ्री सेवेंटी फाइव हम कह रहे हैं आपने बताना है कि इन टू ब्रांचेस में टोटल कितने स्टूडेंट्स है ठीक है गर्ल्स इन वन ब्रांच फोर हंड्रेड है बॉयज इन एन अदर ब्रांच थ्री सेवेंटी फाइव तो आपने बताना है टोटल स्टूडेंट कितने सेवन सेवेंटी फाइव इनको आपने प्लस करना है और बताना है ठीक है इसी तरह पेज नंबर ट्वेंटी फोर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास इन अटेन ईयर फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव पर्सन परफॉर्म हज नेक्स्ट ईयर फोर्टी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव पर्सन परफॉर्म हज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हर्जीज इन टू ईयर्स वो कह रहे हैं पहले साल इतने लोगों ने हज किया दूसरे साल इतने लोगों ने हज किया आपने टोटल नंबर बताने हैं कि कितने लोगों ने हज किया इन दो सालों में ठीक है तो आपने सोल्यूशन लिखना है फिर हाजीज परफॉर्म्ड हज इन सर्टेन ईयर फिर आप लोगों ने नंबर बता देना है फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव फिर हाजीज परफॉर्म्ड हज इन नेक्स्ट ईयर फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव फिर आपने इनको प्लस करना है तो टोटल हाजीज हमारे पास कितने हैं एटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके पास देयर आर फि फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फोर अहाीज इन सुन अबू दाऊद एंड थर्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इन सुनन तर्मिजी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अहादीस इन टू बुक्स ये दो बुक्स आपके पास दी गई हैं आपने इनका बताना है कि इनमें टोटल इतनी इतनी अहादीस हैं और इनकी टोटल नंबर ऑफ अहादीस बतानी है ठीक है अहादीस इन सुन अबू दाउद फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फोर एंड अहारोन तरमी थर्टी नाइन थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स टोटल हैं आपने इनको प्लस करना है और बताना है कि कितनी है नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी ठीक है ऑल वर्ड प्रॉब्लम आई डाउन ऑन यर नोटबुक आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर करने हैं ठीक है होम असाइनमेंट जो आपकी है वो है पेज नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री राइटाउन ऑन योर टेक्स बुक या आपने अपनी बुक के ऊपर करने हैं पेज नंबर ट्वेंटी फोर फर्स्ट फाइव वर्ड प्रॉब्लम राइट डाउन ऑन योट बुक अपनी कॉपी के ऊपर करने हैं ठीक है थीके? ये था आपका आज का होमवर्क उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा यहाँ पर डिफरेंट आ, मजे मजे के पजल्स और एडिशन के पैटर्न दिए गए थे और आप लोगों को बहुत मजा आएगा इनको सॉल्व करने में आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है इंशाल्लाह नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा अल्लाह हाफिज